सुवर्ण प्राशनम हेतन मेधाग्नि बलवर्धनम आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृश्यम वर्णम ग्रहापहम माशात परम मेधावी व्याधिभिर नच धृष्यते षड्भिर मासै शुकधरः सुवर्ण प्राशनात् भवेत। दोस्तों, ये जो श्लोक है इसका उल्लेख काश्यप संहिता में है। इसका उल्लेख आयुर्वेद के शास्त्रोक्त ये उल्लेखित श्लोक है, उद्धरण है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। दोस्तों, आपका बच्चा, आपका शिशु जो अभी पैदा हुआ है और पैदा होने से लेकर 10 वर्ष तक, पैदा होने से लेकर 16 वर्ष तक उसकी ग्रोथ कैसी हो, उसका शरीर कैसे सुदृढ़ बने, उसका दिमाग कैसे शार्प हो, उसका दिमाग कैसे इतना तेज हो कि सुनते ही कुछ चीजें याद हो जाएं, पढ़ते ही बहुत जल्दी किसी भी चीज को ग्रैस्प कर ले, रटना ना पड़े, समझदारी ज्यादा विकसित हो जाए, शरीर सुदृढ़ होने लगे, बलवान होने लगे, ग्रोथ अच्छी हो, लंबाई अच्छी हो, तगड़ा हो, बढ़िया किसी भी परेशानी को झेलने में समर्थ हो, तो ऐसा शिशु, शिशु का विकास ऐसे कैसे हो सकता है? वही चीज मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये हजारों साल पूर्व मेरे आयुर्वेद में, आपके आयुर्वेद में, हमारे आयुर्वेद में ये वर्णित किया गया है। आज की जो अर्वाचीन, आज की जो आधुनिक पैथी है, उसमें ऐसा कोई, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो शिशु को इस प्रकार की ग्रोथ दे सके, जिसमें शिशु शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो और इतना तेज हो कि लाखों लाखों शिशुओं में भी, लाखों व्यक्तियों में भी उसका दिमाग और शरीर बेहतर हो, सबसे अच्छा हो, बेटर हो। तो कौन सी चीज है ऐसी जो इसका प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं? उत्सुकता आपकी जाग रही होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुवर्ण प्राशन, स्वर्ण प्राशन हमारे आयुर्वेद में पहले से ही वर्णित है, जिसका प्रयोग करके, हमारे राज घरानों में और कुछ अच्छे घरों में लोग अपने बच्चों का इसका प्रयोग कराते थे और उनकी बुद्धि को शाग्र होती थी, उनका शरीर स्वस्थ होता था, वो अच्छे योद्धा होते थे, अच्छे राजा होते थे। आज भी वो पूरी तरह सत्य है, पूरी तरह फैक्ट है कि यदि आप इसका प्रयोग करते हैं तो पूरी तरह शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, आपको करना ये है, जो पूर्व में, जो शास्त्र में या संहिता में लिखा गया है कि पूर्व दिशा में बैठकर थोड़ा सा स्वर्ण लेकर उसको पत्थर पर घिसें, पानी डालें, उसको पत्थर पर घिसें और उसको शहद और दूध के साथ चटा दिया जाए। ठीक, आपको आज के युग में इसका मैं सरल सा उपाय बताता हूं। ये तो आप आज कर नहीं सकते कि स्वर्ण को घिस रहे हैं और घिस के उसमें मिलाया और उसको खिला दिया, ये नहीं। स्वर्ण भस्म आपको मिल जाएगी, डाबर, वैद्यनाथ, ऊर्जा, झंडू, अच्छी फार्मेसी की स्वर्ण भस्म ले लीजिए। ऊर्जा फार्मेसी की स्वर्ण भस्म बहुत बेहतर आती है, तो ऊर्जा फार्मेसी, डाबर, वैद्यनाथ या झंडू की स्वर्ण भस्म ले लीजिए और 25 mg से 50 mg के बीच में एक माह के बच्चे को भी आप इसका प्रयोग करा सकते हैं। 25 से 50 एमजी की स्वर्ण भस्म ली, 25 से 50 एमजी स्वर्ण भस्म में थोड़ा सा शहद और मां का दूध मिलाकर बच्चे को चटा दीजिए। इसी को स्वर्ण प्राशन कहा जाता है, यानी कि थोड़ा सा स्वर्ण की भस्म या स्वर्ण को घिसकर उसमें शहद, मां का दूध मिलाकर बच्चे को चटा दें। जब वो बड़ा होता जाता है तो गाय का दूध भी उपयोग किया जा सकता है या मां के दूध की जगह भी गाय का दूध उपयोग किया जा सकता है। तो यदि एक माह का बच्चा है तो केवल महीने में एक बार ये उपयोग करना है और एक से चौथे महीने तक केवल एक बार ये उपयोग करना है। उसके बाद से आप हफ्ते हफ्ते में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 25 से 50 mg स्वर्ण भस्म ली, उसमें थोड़ा सा शहद और मां का दूध मिलाकर बच्चे को सेवन कराया जा सकता है। अब जब बच्चा 4 महीने से 12 महीने तक का रहता है तो हर हफ्ते आप एक बार स्वर्ण प्राशन करा सकते हैं, या जब 1 साल से ऊपर का बच्चा हो जाता है तो उसको प्रतिदिन स्वर्ण प्राशन
कराया जा सकता है, परंतु इतनी गुंजाइश नहीं होती है। इसलिए हफ्ते में 15 दिन में या एक महीने में भी एक बार यदि आप स्वर्ण प्राशन कराते हैं, आपको सुबह उठना है, बच्चे को उठाना है, पूर्व दिशा में मुंह करके वही स्वर्ण भस्म में थोड़ा सा आपको शहद मिलाना है और थोड़ा सा मां का दूध या गाय का दूध मिलाकर उसको चटा देना 25 से 50 mg एक साल तक। एक साल के बाद 50 से 100 mg आपको 8 वर्ष तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और 100 से 150 mg 8 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इससे होता क्या है, मैंने क्या बताया था आपको, सुवर्ण प्राशनम हेतन मेधाग्नि बलवर्धनम यानी बुद्धि बढ़ती है, अग्नि बढ़ती है, अग्नि यानी पाचन क्षमता दुरुस्त होती है, बल बढ़ता है, आयुष्यम मंगलम पुण्यम वृष्यम वर्णम ग्रहापहम। आयुष्य यानी कि आयु, दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहकर जीता है वह व्यक्ति जिसको स्वर्ण प्राशन कराया जाता है। आयुष्यम मंगलम वृष्यम, मंगल यानी मंगल तभी होगा ना जब आपका शरीर साथ दे, आपका दिमाग साथ दे, हार्ट किडनी ये सभी अंग अच्छे से कार्य करे तो सभी चीजें अच्छे से काम करती हैं, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, दुरुस्त रहता है, सुखी रहता है, उत्साह उमंग उसमें बहुत ज्यादा होती है यदि आप स्वर्ण प्राशन निरंतर कराते हैं। आयुष्यम मंगलम वृष्यम, वृष्य यानी कि उसमें सेक्सुअल कमजोरी नहीं आ पाती कभी भी, उसके शरीर में ताकत भरपूर होती है। वर्ण्यम यानी कि उसका कॉम्प्लेक्शन, कॉम्प्लेक्शन उसका बहुत ही अच्छा होने लगता है। आयुष्यम मंगलम वृष्यम वर्ण्यम, आयुष्यम मंगलम वृष्यम वर्ण्यम ग्रहापहम। ग्रहापहम का अर्थ क्या है कि जो बालक को शुरुआत में जो रोग होते हैं ना उसको ग्रह से संबंधित मान लिया गया है प्राचीन संगीताओं में, तो जैसे हरे दस्ताना, पीले हरे दस्ताना, लगातार दस्ताना, बालक में सूखा रोग हो जाना, हड्डियां कमजोरी हो जाना, पीलिया हो जाना, उसमें मिर्गी के दौरे पड़ने लगना, इन सब चीजों से बालक मुक्त रहता है, ठीक है। और मासात परम मेधावी व्याधि फिर नच दृश्यते, एक माह भी यदि इसका प्रयोग कराया जाता है ना तो उसमें मेधा शक्ति विकसित हो जाती है, सोचने की शक्ति विकसित हो जाती है और समझदारी विकसित हो जाती है। और षड्भिर मास शुद्ध धरा यानी कि 6 महीने यदि निरंतर आप इसका प्रयोग करा देते हैं तो आप कोई बात बोलते हो सुनकर बच्चा याद कर लेता है, पढ़कर तो वो पूरा याद कर सकता है पर सुनकर वो याद कर लेता है, उसको रटने की जरूरत नहीं रहती, उसको रट्टू तोता बनने की आवश्यकता नहीं होती, उसका आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है, वो समझदार होता है, समझदारी से चीजों को समझता है और आगे भविष्य में वो हर चीज में सफल होता है। तो इसी तरह के बच्चों का निर्माण होना चाहिए, इसी तरह का विकास होना चाहिए ताकि आगे जाके वो कुछ कर सकें। तो आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास बहुत अच्छे से हो, उसे कोई भी रोग ना हो, उसे परेशानी ना हो, वो हमेशा व्याधि यानी बीमारियों से मुक्त हो तो सुवर्ण प्राशन जरूर कराएं। दोस्तों मैंने पूरी विधि आप लोगों को बता दी है, उसका प्रयोग जरूर करिए और किसी भी बच्चे को होते ही स्वर्ण दिया जा सकता है, ये चरक में बोला है। पर यदि आप इसमें थोड़ा सा आप डरते हैं तो 1 महीने के बाद इसका प्रयोग करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपका बच्चा सबसे बेहतर होगा, उसका दिमाग सबसे बेहतर होगा, शरीर स्वस्थ होगा और आपको एक स्वस्थ सबल संतान की प्राप्ति होगी जो आगे चल के भी अपने हर उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगी। तो दोस्तों ये था स्वर्ण प्राशन पर मेरा महत्वपूर्ण वीडियो, विश्वास है कि आप जरूर स्वर्ण प्राशन का प्रयोग करेंगे। आजकल जाली कंपनियां, जाली इंस्टीट्यूट थोड़ा सा इतना सा स्वर्ण मिला देंगे 200-300 ml में और उसका कैंप लगा देते हैं जिसमें आपको वो लूटते हैं, तो क्यों आप लूटें, आप सीधे स्वर्ण भस्म लीजिए ना और थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में महीने में भले एक बार करिए, एक बार उसको चटा दिया करें तो आपको ये संतुष्टि तो रहेगी कि आपने शुद्ध स्वर्ण भस्म शहद और दूध के साथ उसको चटाई है, जिसका फल आपको देखने मिल जाएगा। पहले ही दूसरे महीने से बच्चे में ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगती है, वो समझदार होने लगता है, 6-7 महीने 8 महीने चलाने पर इतना ज्यादा विकास, इतना ज्यादा उसका मानसिक विकास और शारीरिक विकास आपको देखने मिल जाता है कि आप हतप्रह रह जाते हैं, यानी कि चमत्कारिक विकास, जादुई विकास होता है उसके अंदर, डेवलपमेंट उसके बॉडी और माइंड का इतना तेज होता है कि शायद नॉर्मल जो न्यूबॉर्न बेबी है या नॉर्मल जो शिशु है उनका नहीं हो सकता। तो दोस्तों जरूर प्रयोग करिए, विश्वास दिलाता हूं पूरा मानसिक और शारीरिक विकास बच्चों का होगा और सबल स्वस्थ संतान की प्राप्ति होगी तथा 16 वर्ष तक भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था स्वर्ण प्राशन पर मेरा अचूक अद्भुत वीडियो,
जिसका प्रयोग करके आप अपने बच्चे को शारीरिक और मानसिक पुष्टि और ताकत ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो उम्मीद है ज्यादा से ज्यादा आप इसका प्रयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विषय के बारे में पता चल सके और वो अपनी संतान के लिए इतना करके उसे हमेशा स्वस्थ रख सके। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और घंटी का निशान जरूर दबा दीजिए, तभी ऐसे नुस्खे वाले वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। नहीं तो आप मेरा जो वीडियो है और मेरे चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अपडेट्स हैं वो आप मिस कर देंगे। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए, ज्यादा से ज्यादा थम्स दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक टैप करिए, लाइक की बटन दबाइए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहा हूं और ये वीडियो रैंक कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में ये भी लिखें कि और किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाना चाहिए। तथा दोस्तों, यदि आप मुझसे दवाइयां बुलवाना चाहते हैं तो यहां स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तथा वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, अपनी सारी समस्या, नाम, नंबर, पता, पिन कोड, दिक्कत क्या क्या है, कब से रिपोर्ट की फोटो व्हाट्सएप कर दें, उसके बाद मैं आपको मैसेज करूंगा, मुझे कॉल कर लें, तब आप मुझे कॉल करें, फिर बताऊंगा कितने माह दवा चलानी, एक माह की दवा की कीमत क्या होगी। वह कीमत एडवांस पेमेंट करने पर आपको दवा भेज दी जाती है, 5 से 8 दिन में दवा पहुंच जाती है। निश्चिंत रहिए, डॉक्टर प्रशांत शुक्ला इज अ रिलायबल डॉक्टर जो आपको समय पर आपकी दवाइयां पहुंचाता, किसी भी पेशेंट की दवाइयां कभी नहीं रुकती। ये मत सोचें कि पहले पैसे दे रहे हैं तो शायद ये दवाइयां भेजेंगी ना, बिल्कुल मत सोचिए। आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम अ डॉक्टर, सो ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पर, रिलायबल पर्सन हूं और सैकड़ों पेशेंट को दवा भेजता हूं। या फिर आप यदि मुझसे प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं अपने क्राइटेरिया के अंदर, अपने बजट के अंदर, तो वो लिख के भेज दीजिए कि सर ये समस्या है, इतना मेरा बजट है, इसके अंदर आप प्रिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, मैं आपको अकाउंट नंबर भेजूंगा, उसमें 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस जमा करने पर आपको मैं प्रिस्क्रिप्शन लिख के भेज देता हूं। हर महीने आपको प्रिस्क्रिप्शन चेंज कराना पड़ता है, उसकी 500 रुपए प्रिस्क्रिप्शन फीस पर मंथ रहती है, पर फिर भी आप बहुत सस्ते में अपने बड़े बड़े रोगों को ठीक करवा सकते हैं दूसरे विकल्प के तहत। तो जिस भी विकल्प के तहत आपको दवा या प्रिस्क्रिप्शन लेना है वो प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया, इतना कीमती समय दिया, इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।